अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सेंटर एनजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम एजुकेटर रिक्रूटमेंट 2018 और 19 के बारे में बात करेंगे। इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जो है स्टार्ट हो चुकी है और इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज जॉब सेंटर ऑफ जीके के नाम से है, उसको भी लाइक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे सामने नोटिफिकेशन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये 31 अगस्त 2018 को नोटिफिकेशन हुआ है। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑफ ऑल कैटेगरीज इन पब्लिक स्कूल्स ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के जितने भी स्कूल्स में खाली सीटें हैं उनकी तफसील तलब कर ली गई है। यानी इससे ज़ाहिर होता है कि रिक्रूटमेंट का आगाज़ कहीं ना कहीं हो चुका है। इसके अलावा एक्सप्रेस अखबार में भी जो है ये खबर आई है, ये आप देख सकते हैं। एजुकेटर्स की भर्ती आइंदा माह से शुरू होने का अमकान, महकमा स्कूल्स एजुकेशन में नई पॉलिसी की तैयारी का आगाज़, खाली सीटों की तफसीलात तलब। महकमा स्कूल एजुकेशन में भर्ती के लिए पॉलिसी 2018-19 की तैयारी शुरू। एजुकेटर्स की भर्ती आइंदा माह से शुरू होने का अमकान, बताया गया है कि महकमा स्कूल में भर्ती पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद आइंदा माह से एजुकेटर्स की भर्ती अमल शुरू होने का अमकान है। इस बार बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, एग्री और कॉमर्स वाले तलबा भी अहल होंगे। ग्रेजुएशन के नंबर 25 और एनटीएस के नंबर 40 होंगे। जराए का कहना है कि तमाम सीईओ से खाली सीटों की तफसील तलब कर ली गई, यानी ये तो कन्फर्म है कि जो रिक्रूटमेंट का आगाज हो चुका है। इसके अलावा हम थोड़ी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट जो है वो 74,000 यानी 74,000 होंगी और ये रिक्रूटमेंट जो है ये एनटीएस के भी। इसके बाद एज लिमिट है जी 20 से लेकर 38 साल फीमेल के लिए और मेल के लिए 20 से लेकर 35 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी बीए, बीएससी, मास्टर्स, बीएस, 16 ईयर एजुकेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट। उसके अलावा कॉमर्स वाले, इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल देख लेते हैं जी। ईएससी आर्ट्स का 9 स्केल है, ईएससी साइंस का 9 स्केल है, एससी एससी आर्ट्स का 14 स्केल है, एससी एससी साइंस का 14 स्केल है, एससी एससी अरेबिक का 14 स्केल है, एससी एससी पीईटी का 14 स्केल है, एससी एससी डीएम का 14 स्केल है, एससी एससी कंप्यूटर साइंस का 14 स्केल है, एसएससी आर्ट्स का 16 स्केल है, एसएससी कंप्यूटर साइंस का 16 स्केल है, एसएससी साइंस का भी 16 स्केल है और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का 16 स्केल है, यानी एईओस की भर्ती भी इसके साथ ही होगी। इसके अलावा मेरिट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट के 50 नंबर इंक्लूड किए जाएंगे, इंटरमीडिएट के 20 नंबर शामिल किए जाएंगे, ग्रेजुएशन के 20, मास्टर के भी 20। उसके अलावा एमफिल या पीएचडी जिन कैंडिडेट्स की होगी उनके 5 नंबर और ऐड किए जाएंगे और बीएड एमएड वालों के भी 5 नंबर ऐड किए जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे और एनटीएस के 10% जो आपने नंबर हासिल किए होंगे वो ऐड किए जाएंगे। तो दो जा रहा है कि लड़कियां सिर्फ लड़कियों के स्कूल में ही अप्लाई कर सकेंगी। इससे पहले जो है वो लड़कियां बॉयज़ स्कूल में भी अप्लाई करती थी, जिसकी वजह से जो है वो लड़कों को काफ़ी नुकसान होता था, क्योंकि मेरिट पे लड़कियां आ जाती थी और लड़के बेचारे मुंह देखते रहते थे। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट के नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह जो है रिक्रूटमेंट का बकायदा आगाज कर दिया जाएगा, ऐड वगैरह आ जाएगा। तो मज़ीद अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अलावा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, जो भी अपडेट होगी इधर अपलोड कर दिया करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।